हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिगंबर। आज हम ये वीडियो में लेके आया हूँ फ्लूट क्लीनिंग के ऊपर। फ्लूट क्लीनिंग करने के क्यों करते हैं या फिर मेंटेनेंस क्यों करना चाहिए, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे मेन आज है फ्लूट क्लीनिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए, हमारे पास ये है क्लीनिंग रॉड, ये हमने क्लीनिंग रॉड बनाया है। ये पहले से ही दिगंबर फ्लूट में अवेलेबल था, पहले से ही मिलता था हमारे पास। लेकिन आज मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे यूज़र्स ने पूछा था कि क्लीनिंग रॉड कैसा होता है, क्या और क्लीनिंग कैसे करना है उसके साथ में, वो दिखाइए। तो इसलिए हमने ये क्लीनिंग रॉड बनाया है और ये आपको दिखा रहा हूँ। अभी क्लीनिंग कैसे करना है देखते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पास अलग अलग लेंथ में ये रॉड अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि देखिए, 30 इंचेस का है ये। ई बास के नीचे वाली फ्लूट और जी बास के फ्लूट तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और ई बास के नीचे और ये सी मीडियम तक या फिर सी शार्प मीडियम तक आप 25 इंचेस का रॉड यूज़ कर सकते हैं। अभी ये डिफरेंट लेंथ वाले क्यों यूज़ करना है, देखिए। अगर ये रॉड में यूज़ करता हूँ, तो अगर ये रॉड में इसे इंसर्ट कर दूंगा तो इसका लेंथ यहाँ पर इतना बच जाता है, ठीक है। तो जब मैं टू और फ्रो करूँगा, जब अंदर बाहर करूँगा, अगर गलती से मेरे पास ऐसे हो जाएगा बाहर आते समय या अंदर इंसर्ट करते समय में, अगर ऐसा हो जाता है तो फ्लूट डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए लेंथी रॉड यूज़ नहीं करना होता है, प्रॉपर लेंथ वाला रॉड यूज़ करना होता है। अभी इसके लिए ये जो 25 इंचेस का रॉड है, ये सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके साथ में। लेकिन फिर भी हमको केयर तो करना ही है, ऐसा नहीं होने देना है। स्ट्रेट जाना चाहिए और स्ट्रेट अंदर जाना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया लेंथ के बारे में क्लीनिंग रॉड के। अभी देखिए, ये जी शार्प का फ्लूट है और ये मेरा 25 इंचेस वाला रॉड है। ये जी बेस के फ्लूट के साथ, जी बेस से लेके सी शार्प मीडियम तक मैं इसे क्लीन कर सकता हूँ या फिर सी मीडियम तक। अभी देखिए, ये मेरे पास एक क्लीन क्लॉथ है, ये एक ऐसा एक हैंडकरचीफ था मेरे पास, इससे मैंने ये काट लिया और बहुत ही इजीली हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, इसे ऐसे इंसर्ट कर लेना है, थोड़ा कपड़ा यहाँ से रखना है और ऐसे लपेट कर, ठीक है, ऐसा बांध देना है यहाँ से, ताकि क्या होगा, अगर छूट भी जाता है, अगर गलती से छूट भी जाएगा और फ्लूट के अंदर रहेगा ऐसा, ये फ्लूट के अंदर समझ लीजिए छूट गया है, तो ये अंदर भी जाएगा तो ये इजीली बाहर रह जाएगा, ठीक है। ये फ्लूट प्रूफ रहता है, ताकि ये जो कपड़ा है ये अंदर अगर अटक जाता है फ्लूट के अंदर, तो आपकी फ्लूट डैमेज हो सकती है कपड़ा निकालते समय में, और ये अच्छा खासा डैमेज हो जाम हो सकता है। इसलिए फिर इतना ध्यान रखिए। और देखिए, मैं ऑलरेडी एक कपड़ा मैंने बांध के रखा था अच्छा सा। अभी क्लीनिंग करते वक्त क्या करना है, हमें इसे अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, और इसे बस आगे पीछे करते रहना है। बस ध्यान रखना है ये ऐसा ना हो जाए, सीधा अंदर जाना चाहिए और सीधा बाहर आना चाहिए। तो 10-12 बार भी हम कर लेंगे तो फ्लूट अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और जेंटली रब करना है, बहुत सारा उसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, जेंटली रब करना है हमें। देखिए, ये हो गया क्लीन, थोड़ी सी फूंक मार लीजिए, अंदर का पूरा जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ रहेगा वो साफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारी हीट ट्रीटमेंट फ्लूट से, इसमें यानी कि क्लीनिंग फंगस वगैरह का ज़्यादा दिक्कत आता नहीं है, लेकिन फिर भी क्लीनिंग जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा फ्लूट कनेक्टेड रहता है, और जब स्टीम अंदर जाती है तो स्टीम अंदर जाने की वजह से एक फिल्म कंडेंस हो जाती है, और उसके थ्रू छोटे छोटे जो माइक्रो फंगस होती है वो अगर आने की चांसेस रहती है। तो इसीलिए ये पीरियडिकली फ्लूट क्लीन करना चाहिए, और फ्लूट क्लीन करने के एक अपने भी फायदे होते हैं, फ्लूट की लाइफ भी बढ़ती है और हमको बाकी सारी चीज़ें भी दिक्कत सामना नहीं करना पड़ता, जैसे इसमें कीड़ा लग जाता है वगैरह। इसमें ई बेस के फ्लूट, सॉरी, हीट ट्रीटमेंट फ्लूट में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा, इसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह इसका कोई दिक्कत आता नहीं कभी भी। ये बस फंगस के लिए हम यूज करते हैं और रिकमेंड करते हैं। ये है ई बेस, सॉरी, जी शार्प बेस का फ्लूट, और यह है 25 इंचेस का रॉड, और ये है 25 इंचेस का रॉड। ये ई बेस के फ्लूट के साथ में आप यूज़ कर सकते हो, ई बेस से लेके जी शार्प बेस के लिए, ठीक है। थैंक यू।